अरे क्या अंजू, तूने क्या खोया अपना? इधर मुड़ तो क्या खोया पे? लोग अपना चीज रखते तो इतनी कीमती, बहुत सारे सब्सक्राइबर हो जाए और कमाई लग जाए। और इसके साथ साथ मैं भी भैया चुप रहो यार, माँ कसम यार। अरे हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज का ब्लॉग आपको पता ही होगा आज क्या है। आज है रक्षाबंधन। तो हम लोग उठ गए थे सुबह, कितने बजे उठ गए थे? लगभग उठ गए थे 4:30 बजे। और अभी नहा धो के, बस नहा धो के रेडी नहीं हुए हैं, कुछ नहीं किया, बस थोड़ा सा काम वाम किया है, पूजा वूजा कर ली है। मम्मी जा रही है अब अपने भाई के यहाँ, राखी लेके दिखा, बैग ऊपर कर। ये मम्मी अपना बैग लेके अब जा रही है एकदम टाइम पे, जल्दी आना। हाँ भी जब दो भाई हैं टाइम लगेगा भी। कितना क्या लेके आएगी वहाँ से? हैं क्या लेके आएगी? जो देंगे वो लाऊंगी। जल जा अपनी फिर मन से थोड़ी लाऊंगी, देंगे तो लाऊंगी, नहीं देंगे तो आज कोई बात नहीं। ठीक है फिर, जल्दी जा, जल्दी आना। तो राखी बांधने पहला नंबर राकेश का, क्योंकि पहले नंबर हम तो भूखा, हमने सब खा के बैठे हैं। आप आपके तरह हर कोई थोड़ी होता है खाना खा के आयो, उसको देखो। भैया मेरे को तो भूख लगती है, पहले पेट बुझा फिर काम बुझा। हाँ लड्डू खिलाएंगे राखी तो। अच्छा कितना बोलता है यार ये, लंबा मना हनुमान के भक्त नहीं हो हनुमान वाला लगा। हे भगवान जल्दी से, बहुत सारे सब्सक्राइबर हो जाए और कमाई लग जाए। और इसके साथ साथ मैं भी आपने ले मार ली मेरे लिए। एक ही बात हुई उनसे, मूवी का ये देखो तो इनकी हरकतें। क्या क्या कर रहे हैं? और टाइट बनो ना, ना बस हो गया। हो गया कितनी हो गई मेरे पास? 1, 2, 3, 4 हो गई। मिठाई कौन सी खा रहे हो? या पूरा डब्बा खाओगे? डब्बा तू खाना खा ली, मैं मिठाई खा लेता हूँ, आधा खाता हूँ। मेरे वाला बहुत मीठा खा लिया, ज्यादा मीठा शुगर हो जाएगा। प्रोग्राम हो गया और क्या बोलते हैं सब कुछ हो गया, मतलब घर में बना लिया, भाई को बांध लिया, भैया आ गए, भैया को भी बांध लिया, भाई की बहनें आ गई। अब मैंने जाना है अपने मामा के लड़के को बांधने और भैया उनके यहाँ जाना है। पहले जल्दी से जाते हैं वहाँ, बना के आते हैं और उनको राखी बांध के आती हूँ, उसके बाद देखते हैं आज का क्या क्या प्रोग्राम होता है, फिर चलेंगे। आज तो भैया को लौटना है, आज तो हमने जाना है कहीं ना कहीं, फिर आगे मिलते हैं। फाइनली आप पहुंच चुके हैं हम अपनी मामी के यहाँ। अब यहाँ राखी बांधते हैं दूसरे भाई को, तीसरे भाई को। हैप्पी बर्थडे। हाँ बर्थडे पे भगवान जल्दी जल्दी इनकी डॉक्टर लग जाए। तेरा क्या फायदा? क्या फायदा क्या?
सेटल सेटल बन जाएंगे, सेटल बन के स्पेस में उड़ जाएंगे। नीलम तू ना ये इसमें कैमरे में ऐसे लग रही। फिर होता फ्लिपकार्ट का माल। अरे क्या भैया आपने गलत पैर करा दिए। शाबाश बेटा बहुत। क्यों ये मैंने सही पैक कराए थे, उसने गलत दे दिया, तभी तो उसने 120 लिए। भैया चुप रहो यार, माँ कसम यार ऐसे तो नहीं होता है। अरे मैंने तेरे सामने 4 डब्बे पैक नहीं कराए थे? तो 4 डब्बे ये थोड़ी थे तो हाँ ये देखिए एक डब्बा गलत आ गया यार, क्या पन होती है ये। आप तो क्या करें फिर, कोई बात नहीं मैं खा लूंगा। चल बड़े बड़े शहर में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। खिला ना तू, अब अफसोस क्यों कर रही है यार, उसने गलती से दे दिया होगा, तूने भी तो बेईमानी करी। बेईमानी नहीं की, नहीं तूने बेईमानी करी, नहीं करी पूजा और मैंने ना, सही हिसाब लगाया। बेईमानों के साथ ऐसा ही होता है। अरे मां कसम यार सही में बेईमानों के साथ ऐसा ही। मिठाई लेके आई है भैया ने, चेक नहीं किया, आधे अधूरे आ गए। मैंने अपने सामने डलवाया और डब्बा उसको दिया। तो देख तो मैंने ना सारे रसगुल्ले किए, अभी मैंने इसको खोला, अभी ना अभी कैमरे में नहीं बताऊंगा इसको, इसकी पोल खुल जाएगी बाद में बताऊंगा इसने क्या बेईमानी करी, इसलिए इसके साथ ऐसा हुआ। नहीं वो ही था। खिला तू पहले, ले खुद ही। अरे मैंने तो खिलाया नहीं तुझे यार। भैया चले फिर, चले हो गया, चलो वे खाना पीना हो गया सबको, भाई बोल देते। A few moments later. अंजू तूने क्या खोया अपना, इधर मुड़ तो। क्या खोया फिर? लोग अपना चीज रखते, तो इतनी कीमती चीज कहाँ भूली बता मुझे। राखी के दिन, राखी के दिन एक्साइटमेंट, इतनी क्या एक्साइटमेंट थी तेरे को, इस शख्स को देखो हमने सारे सजाना छुपा दिया। फाइनली अब भैया नहीं है तो आज हम अपनी भाभी को राखी बांधने वाले हैं, देख लो भैया के बदले भाभी को। भाभी कैसा लग रहा है भैया के बिना? ठीक ही लग रहा है, आ जाएंगे 2-4 दिन में। याद आ रही है अभी भैया होते तो भैया को बांधते हम। सुनसान हो गया यहाँ माहौल एकदम सुनसान हो रखा है। बैठो पानी पिला अंजू। बस बस घर से आ रहा भैया, इसके बाद मैं बाद में आ जाऊँ। इतना ये अब भाभी की आरती, हमारी भाभी ऐसी सुंदर रहे और एकदम जवान। फाइनली हमारा प्लान था आने का शाम को, भैया ने कहा था मैं तुमको लेके चलूंगा कहीं, बट हमारा कैंसिल हो गया था। उसके बाद अचानक से सडनली भैया ने कॉल किया, भैया ने कहा जल्दी से रेडी हो जाओ। हमने कहा रेडी क्या होना है, हम ऑलरेडी रेडी हैं। फिर भैया लोग आए थे तो हमने कहा चलो फिर चलते, कहाँ जाना है वो हमें पता नहीं था, बस हम थोड़े से घर के
ज़्यादा दूर नहीं, आगे कोई आए हैं भैया आए नहीं, वो पीछे से हैं। अभी देखते हैं फिर यहाँ पे है क्या। चलो पहले चलते हैं, देखते हैं वहाँ पे है क्या। भैया क्रॉस करके आना, गिरना मत। क्या नौटंकी है ये ये यहाँ से लोग कुछ ऐसा। हम लोग इतने लोग आए, आगे से बुआ है, मन्नू आई है और पूजा भी आई है। भैया तो हमेशा साथ ही होते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। ये पता नहीं किस बात पे लड़ रहे हैं, क्यों लड़ रहे हो? ये लड़ रहे हैं देखो, वो अभी हो गया, क्लियर होगी उनकी बात, हो गया। चलो फिर यहाँ का लुक कुछ ऐसा है। ये सही है, ये अच्छा है। पीछे फाइंड मी कैफे करके ये बना रखा है। पूजा जा रही है पोज बांधने, यहाँ तो देख। चल अभी पहले इसकी फोटो क्लिक कर लेते हैं, उसके बाद अपनी ब्लॉग कंटिन्यू करती हूँ, फिर मिलते हैं। यहाँ का एंट्रेंस कुछ ऐसा है, शायद रात को यहाँ लाइट वाइट जलती होगी। यहाँ का व्यू कुछ ऐसा है। फाइंड मी इस रेस्टोरेंट, ये रेस्टोरेंट नहीं सॉरी, इस कैफ़े एंड कैंप। तो यहाँ का लुक कुछ ऐसा है और यहाँ से ऊपर जाने का है, और यहाँ का पीछे का व्यू कुछ ऐसा है। यहाँ एक और है, ये रात को अच्छा लगता होगा ना लाइट लाइट। ओके, ये पूरे लाइट से ये ऊपर रात को अच्छा लगता होगा। और यहाँ से अंदर जाने का है, यहाँ शूज़ वूज़, यहाँ पे शूज़ वूज़ उतार के फिर अंदर जाने वाला है। वाह ये अच्छा है, यहाँ फाइंड मी का, और ये ऐसा आपको मिलेगा। चलो चलते हैं। ये यहाँ कुछ नहीं है, ये बस ऊपर ये कुछ ऐसा है, आपको ऐसा मिलेगा। एंड यहाँ का व्यू कुछ ऐसा है। वो वहाँ सन, वाह शाइन कर रहा है, परफेक्ट। फाइनली यहाँ का तो कुछ ऐसा सीन है, और मतलब ऐसा अच्छा ही है एकदम। ये हट बना रखा है वो भी मर्ज से, तो मतलब अच्छा लग रहा है एकदम। घर जैसे गांव में जैसे होते ना पुराने टाइम का, वैसी फीलिंग आ रही है। अंदर बाहर से शू शूज उतार के फिर अंदर जाओ, अंदर जाके मस्त नीचे पालटी मार के बैठने वाला सीन है यहाँ, अच्छा है जो भी है। तो हम लोग अभी यहाँ आए हैं, प्लानिंग तो थी हमारी कब से, बट हमारी हो नहीं पा रही थी। और तो अभी हमने कहा यार कहाँ जाते हैं, कोई प्लानिंग थी नहीं, भैया ने सडन बोला, हमने कहा चलो देख के आते हैं। अभी प्लानिंग तो हमारी कब से थी इस रेस्टोरेंट को एक्सपोज करने की, बट हमारे पास टाइम नहीं हो रहा था, बट आज हुआ तो हम लोगों ने अभी थोड़ा कर दिया। यहाँ पे बहुत धूप पड़ रही है और बहुत लोग हैं, इसलिए थोड़ा क्राउड हो रहा है, इसलिए मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बनाऊँगी। यहाँ बहुत ही ज़्यादा लाइट पड़ रही है यहाँ। वाओ गाइस, इससे आपको कुछ गेस कर सकते हो, ये मेरे को गांव वाली फीलिंग आ रही है। गांव में ना गाय के आगे नहीं लगाते, एकदम वैसे फील आती है ऐसी, उसका जो एक्चुअल साउंड होता है ना वो कुछ ऐसा ही साउंड करता है। से जा रहे हैं मड हाउस से, और क्या बोलते हैं वहाँ हमें कुछ वैसा स्पेशल कुछ मिला नहीं है, बट वो अच्छा था कि पुराने टाइम का जैसे मड हाउस होते ना मड के बने हुए, तो वो ज़्यादा अच्छा था। तो वो यहीं बना है फाइंड मी करके, वो अच्छा था। और अभी हमने वहाँ थोड़ा घूम लिया जो आपने देख लिया होगा, तो अभी हम देख रहे हैं थोड़ा सा आगे को जा रहे हैं, वहाँ देखते हैं वहाँ हमें क्या मिलता है और कहाँ जाते हैं। थोड़ा सा कहीं सोचा है, हाँ जाने का देखते हैं बस।